सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं जाती हूँ जल्दी से रेडी होने, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले इंडियन स्टोर। मम्मा, खाना रेडी हो गया? हाँ, हो गया। फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं चिली पनीर और रोटी और दही है। ये देखिए, मैं खाना जल्दी ही बना लेती हूँ। 10 बजे के टाइम पे हम खाना खा लेते हैं। सुबह नाश्ते में जो बच्चों को करना होता है कर लेते हैं, बाकी खाना भी बना देती हूँ। सो गाइस, अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं इंडियन स्टोर। वहाँ पे हमें सारा सामान इंडियन मिलेगा। सो हम आज वहीं पे अपनी इंडियन ग्रोसरी शॉपिंग करने वाले हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे इंडियन शॉपिंग होती है। फ्रेंड्स, हम लोग तो जैसे डाउनटाउन में रहते हैं एडमिंटन के, और अगर हमें इंडियन ग्रोसरी करनी है जिसमें स्पेसिफिक बिल्कुल इंडियन सामान मिलता है, जैसे इंडियन मसाले वगैरह, तो उस सब के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। नॉर्मली ये साउथ साइड में एडमिंटन के, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं इंडियन वाले स्पेसिफिक मसाले वगैरह और सारी चीज़ें, तो उसके लिए साउथ में जाना पड़ता है। तो अभी हम निकले हैं और बस से जा रहे थे हम लोग, और बीच में अभी हम लोग एक ट्रांजिट सेंटर पे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गाइस। ये है मेलवुड का ट्रांजिट सेंटर, जहाँ पर हम लोग उतरे हुए हैं। अब यहाँ से हम दूसरी बस का वेट कर रहे हैं, जो साउथ साइड में हमें एक्चुअली उन सारे स्टोर्स पे लेके जाएगी जहाँ पर हम लोग को इंडियन सामान मिलने वाला है। नारियल ऐसा मिलता है कटा हुआ पैकेट में पैक। हाँ, तो यही मेरे को चाहिए था। सभी तरह के मसाले पिसे हुए, कोई सा भी ले लीजिए, कोई भी सब्जी का या चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी, कुछ भी, सब मिल जाते हैं इंडियन स्टोर से। आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे आए तो यहाँ से सब चीज़ें ले सकते हैं। कुछ भी ले लो। अब देख रहे हो, चने का आटा, कुट्टू का आटा, चावल का आटा, रागी का आटा, बहुत अलग अलग तरह के आटे हैं यहाँ पे। कभी आपको ये लेना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और ये देखो फ्रेंड्स, इंडियन टी, सभी तरीके की इंडियन टी है यहाँ पे। ये लेनी थी। और ये आ गए भाई ये वाला ले लो टाटा टी पे। ये तो देखो जी, इनकी पसंद है टाटा टी बिल्कुल। अरे हुजूर, वाह, ताज बोलिए, ताज चाय भी है भाई यहाँ पे तो। ये फ्रेंड्स, ये है काले उड़द, उड़द दाले देखो भैया, यहाँ पे तो सभी तरह की दाल है। पूरे एडमिंटन में जो आपको दाल कहीं नहीं मिलेंगी, वो आपको यहाँ मिलवुड्स में इंडियन स्टोर्स में मिल जाएंगी। अगर आपको इंडियन ऐसे वाला सामान चाहिए, यहाँ पे आके ले जाओ। ये देखो, हर तरीके की दाल, मसूर की, मलका है ना, और ये देखो मूंग की साबुत वाली, मूंग की ये साबुत छिलके में भी, उड़द की छिलके वाली। हाँ लो लो, देखो मूंग की धुली हुई, भाई सब तरह की दाल है यहाँ पे। सॉरी गाइस, ये देखो इंडिया वाला धनिया, इंडिया वाली मेथी, पालक और सरसों का साग भी है भाई, और पुदीना भी सब सामान है इंडिया वाला यहाँ पे। और ये देखो गाइस, कड़ी पत्ता भी है, कच्ची हल्दी शायद कहीं ना मिले। और ये देखो भाई, इंडियन हरी मिर्च। ओ भाई साहब, ये देखो चौलाई के लड्डू, गज्जक भी है भाई, तिल से ग्रेवी। भाई दूज पे किसी को अगर गोले खरीदने हो तो यहाँ आ जाना भाई, गोले, अखरोट, लहसुन। भैया पूजा का भी सारा सामान यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ। अब दिए वगैरह भी है ना, घंटी भी, अगरबत्ती वगैरह, कलावा, सब चीजें हैं यहाँ पे। ये देखो गाइस, गंगा जल भी है यहाँ पे, और क्या चाहिए यार यहाँ आके लेने के लिए। सो गाइस, अभी हम
हम इंडियन स्टोर से आ चुके हैं। एंड अगर आप इंडिया से कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा कि हम कैसे अपना यहाँ पे सामान लेते हैं इंडियन स्टोर से, सो आप यहाँ पे आके अपना इंडियन स्टोर से सामान ले सकते हैं। यहाँ पे टोटली सारा इंडियन सामान मिल जाता है। एंड अगर आप कनाडा में पहले से ही है तब भी आप सारा सामान ले सकते हैं। आज आपको फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि मैं अपना इंडियन सामान कहाँ से लेती हूँ, तो ऐसे ही आप मेलबोर्न में जाकर ऐसी कहीं भी इंडियन स्टोर से सामान ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।